नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिला के अंतर्गत बेरमो अनुमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकृति का पर्व कर्मा पूजा धूमधाम से बुधवार को संपन्न हुआ। इस कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर किरण कुमारी ने कहा कि कर्मा झारखंड की प्रमुख पर्व है। मुख्य रूप से यह पर्व भादो मास के एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छी फसल की कामना करते हैं, साथ ही बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा की कामना करती हैं। कर्मा की मनौती मानने वाले दिन भर उपवास रखकर अपने सगे संबंधियों व पड़ोसियों को निमंत्रण देते हैं तथा शाम को कर्मा वृक्ष की पूजा करके कुल्हाड़ी से कर्मा पेड़ की डाल को काट दिया जाता है और उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया जाता है। इसके बाद इस डाल को अखरा में गाड़ दिया जाता है एवं इसकी पूजा की जाती है। महिला, पुरुष एवं बच्चे रात भर नृत्य करते हुए उत्सव मनाते हैं और सुबह पास के नदी व तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। कर्मा झारखंड का एक प्रमुख पर्व है। मुख्य रूप से यह पर्व भादो मास के एकादशी को मनाया जाता है। इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा करते हैं और अच्छी फसल की कामना करते हैं, साथ ही बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख शांति की प्रार्थना करती है, उनकी सुरक्षा की कामना करती है। कर्मा पर्व में झारखंड के लोग ढोल और मांदर की थाप पर झूमते हैं। कर्मा को आदिवासी संस्कृति का एक रूप भी माना जाता है, एक प्रतीक माना जाता है। कर्मा की जो मनौती मांगते हैं वो दिन भर उपवास करते हैं और अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को निमंत्रण देते हैं। शाम को कर्मा वृक्ष की पूजा किया जाता है, फिर कुल्हाड़ी से एक ही बार में डाल को काट कर उसे ज़मीन पर नहीं गिरने दिया जाता, फिर उसको ला के गाँव के अखड़ा में गाड़ दिया जाता है। उसके बाद रात में पूजा किया जाता है और स्त्री पुरुष बच्चे रात भर घूमते हैं और सुबह को किसी गांव के किसी नदी या तालाब में उस डाल का विसर्जन कर दिया जाता है।